गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से आपका दोस्त आसिफ लखनऊ से आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद, इस चैनल को सपोर्ट दे रहे हैं आप लोग, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, थैंक यू सो मच। बात कर रहे हैं टेंसेस की। मैं बार बार ये बात आप लोगों को कहूंगा कि टेंस इंग्लिश लैंग्वेज की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। यदि आप अंग्रेजी भाषा को अच्छी तरह समझना चाहते हैं, सबसे पहले आप 12 टेंस को अच्छी तरह समझिए। 9 टेंसेस मैं अब तक पढ़ा चुका हूं, 10वां टेंस पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। 3 पॉइंट होते हैं मेन हर टेंस के। पहला पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन, यानी पहचान। यदि किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आ जाए, और साथ में समय भी दिया हो या वर्णन हो कि यह कार्य कब से चल रहा है, तो समझ जाइएगा वो हिंदी का वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। इसमें अक्सर गलती होती है, लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को अगर ध्यान ना दें तो यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह ही लगेगा। इसलिए हिंदी के वाक्यों को गौर से देखना चाहिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे वह पढ़ रहा है, यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। मैं टीवी देख रहा हूं, यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। मैं 4 घंटे से टीवी देख रहा हूं, यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर माई बैड थ्रोट। हेल्पिंग वर्ब इसकी होती हैज बीन या हैव बीन। जो नियम हैज और हैव का है, वही नियम हैज बीन और हैव बीन पर भी लगेगा। यानी आई के साथ, यू के साथ और बहुवचन के कर्ता के साथ, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप हैव बीन लगाएं। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, जैसे दे, वी, बॉयज, गर्ल्स। और सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन के कर्ता के साथ, जैसे कि ही, शी, इट, महेश, बॉय, गर्ल के साथ हैज बीन लगाएं। ये नियम बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि सब्जेक्ट 3 तरह के हैं, एक वचन का कर्ता, बहुवचन का कर्ता और आई और यू बिल्कुल अलग हैं। आपको इनके नियम अलग से याद रखने पड़ेंगे। याद रखिए, फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा 4th फॉर्म, यानी V1 में ING लगा दो। हमें इस टेंस में हमेशा ING फॉर्म लगाना पड़ेगा, लगाना होता है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, सिंस और फॉर का नियम। देखिए, किताबों में निश्चित और अनिश्चित समय दिया होता है, उसमें कंफ्यूजन हो सकता है। मैं आपको इस तरह से बता रहा हूं, अगर पॉइंट ऑफ टाइम यानी समय के बिंदु यानी निश्चित समय का वर्णन हो तो सिंस लगाना, लेकिन यदि लेंथ ऑफ टाइम यानी समय की लंबाई यानी अनिश्चित समय का वर्णन हो तो फॉर लगाना। ऐसे ज्यादा समझना, समय का बिंदु, समय की लंबाई। जैसे 9 बजे से, अब देखो 9 बजे एक बिंदु है तो सिंस लगेगा। सोमवार से एक पॉइंट है, जनवरी से, 2006 से सुबह से, ये सब बच्चों पॉइंट है, पॉइंट ऑफ टाइम है, समय के बिंदु है, सिंस लगाओ। लेकिन 2 घंटे से, देखो 1 घंटा 2 घंटा लंबाई बन गई, 2 घंटे लंबाई है। 3 दिन से 1 2 3 लंबाई, 6 सप्ताह से 1 2 3 4 5 6 लंबाई। जहां लंबाई आ जाए फॉर लगा देना, जहां बिंदु आ जाए वहां पे सिंस लगा देना। ये है इस तरह के समय, जैसे 2 घंटे से, 3 दिन से, 6 सप्ताह से, 10 वर्षों से, बहुत देर से, ये फॉर के मामले है, क्योंकि ये समय की लंबाई का वर्णन कर रहे हैं। जबकि इस तरह के समय जैसे 9 बजे से, सोमवार से, जनवरी से, 2006 से, सुबह से, सिंस के मामले हैं, क्योंकि ये समय के बिंदु की बात कर रहे हैं। अगर आपको निश्चित और अनिश्चित से समझ में आ जाए तब भी ठीक है, कि भाई 9 बजे से निश्चित है, 2 घंटे से कौन से 2 घंटे अनिश्चित है, जैसा आपको समझ में आ जाए, लेकिन लगाना सही प्रेपोजिशन, ये मेरा निवेदन है। अब एक इसमें अपवाद है, एक्सेप्शन है, अगर पिछला शब्द आ जाए, जैसे पिछले 3 दिनों से, तब फिर सिंस लगाना। 3 दिन वैसे अकेले आएगा तो फॉर लगेगा, क्योंकि जहां आप कहते हैं लास्ट 3 डेज, अब इसमें सिंस लगाना। पिछले 3 वर्षों से, अब लास्ट
3 ईयर्स लगाना, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक पीरियड की ओर इशारा कर रहा है। ये बच्चों मैंने नियम डिस्कस कर दिए, अब अगले वीडियो में तुरंत मैं अनुवाद सिखाऊंगा। प्लीज अगला वीडियो जरूर देखिए, और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो प्लीज इन वीडियोस को लाइक कर दिया कीजिए, शेयर किया कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।